तो नमस्कार दोस्तों, आज हैं हम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में, जो कि काफ़ी खूबसूरत और मंदिर से बिल्कुल सेम तरीके से लिया गया डिज़ाइन, जो कि काफ़ी देखने में एक अलग तरीके का अनुभव प्राप्त होता है। इसको देखने में काफ़ी मज़ा आता है, लोग रोमांचित हो जाते हैं इसको देख के। इस तरीके से डिज़ाइन है, जैसे कि दूर से देखने में आपको मंदिर का नज़ारा देखने को मिलता है, सेम मंदिर से जुड़ा हुआ इस एयरपोर्ट का नक्शा बना हुआ है। बाहर का लुक काफ़ी खूबसूरत। तो आइए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सिक्योरिटी चेकिंग की तरफ, जहां से लाइन में हम लग चुके हैं। और यहां से आप देख सकते हैं आगे जो सिक्योरिटी के जो मेंबर हैं, कुछ यहां पे एयरपोर्ट के जो ऑफिसर हैं वो हैं, और CISF के कुछ जवान हैं। तो फ़िलहाल मैं उनको डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ, वो वेरीफाई करके फिर मुझे अंदर जाने की अनुमति देंगे और कुछ ही देर में हम एंट्री करने वाले हैं यहाँ से। तो वीडियो काफ़ी रोचक होने वाली है और बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको सारा कुछ दिखाते हैं, क्योंकि मेरी फ़्लाइट यहाँ से लखनऊ से दिल्ली की तरफ उड़ान भरेगी कुछ ही देर में। तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, और ये है अंदर का नज़ारा। और बोर्डिंग कराने के बाद मैं फ्री हुआ हूँ तो ये वीडियो बनाया, और काफ़ी देखने में खूबसूरत इस तरीके से यहाँ पे चित्रों को दर्शाया गया है अयोध्या के बारे में। और ये गेट नंबर 1 है, यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर की तरफ जो रनवे का इलाका है, आप काफ़ी अच्छे से इसको देख सकते हैं। बाहर कौन सी फ़्लाइट आ रही है जा रही है उसके बारे में भी आप निरीक्षण कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। और ये एयरपोर्ट काफ़ी खूबसूरत बनाया भी गया है, डिज़ाइन भी किया गया है, और हम आपको दिखा रहे हैं एक बड़ी दिलचस्प चीज़, ये रही। यहाँ से आप एयरपोर्ट की जो व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, आप इस नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं। पार्किंग का इलाका, एयरपोर्ट का इलाका आप अच्छे से देख सकते हैं। फ़िलहाल फ़्लाइट आ चुकी है, और ये जो विकलांग लोग हैं जो जहाज़ में आसानी से नहीं जा सकते हैं, उनके लिए व्हीलचेयरों का प्रबंध किया जा रहा है। और फ़िलहाल फ़्लाइट आ चुकी है, अब चलते हैं फ़्लाइट के अंदर और वहाँ का कुछ आपको दृश्य हम दिखाते हैं। तो लोग अपना सेल्फी ले कर और फ़ोटो खिंचा रहे हैं, और कुछ ही क्षणों में बसों से भी लोग यहाँ पे आएंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल बस आ चुकी है, लोग आ रहे हैं आप देख सकते हैं, और अब चलते हैं फ़्लाइट के अंदर और हम आपको दिखाते हैं। ये रहा फ़्लाइट का अंदर का नज़ारा, और आप लोग भी इंजॉय करिए। फ़िलहाल मेरी जो सीट है वो विंडो सीट है, तो मैं विंडो सीट का इंजॉय करूँगा और आपको बाहर से दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। A copy of the safety information card is placed in the seat back pocket in front of you. Please read it carefully. Guests sitting next to an emergency exit are required to study the operation of these exits. तो सिक्योरिटी का जो निर्देश है उसको सुनने के बाद अब हम आपको बताते हैं। अब यहाँ से जो फ़्लाइट है वो रनवे पे आ चुकी है और धीरे धीरे अपनी उड़ान की तरफ आगे बढ़ रही है, और ये फ़्लाइट के अंदर का नज़ारा है जो कि काफ़ी दिलचस्प है। और थोड़ी देर में फ़्लाइट अब ऊपर उड़ेगी, और फ़िलहाल और कैप्टन ने इस फ़्लाइट को ऊपर की तरफ ले लिया है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है उड़ान में, और इंजॉय भी काफ़ी हो रहा है इसमें। और थोड़ी देर में हम लोगों का खाना भी यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी अयोध्या, आप यहाँ से देख सकते हैं कि अयोध्या का कैसा नज़ारा है, फ़्लाइट के अंदर से कैसा ऊपर से दिखता है, आप पूरा इंजॉय कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। इसका एक अलग ही अनुभव है जो कि काफ़ी रोमांचित करता है, और पहली बार अयोध्या को ऊपर से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस फ़्लाइट के माध्यम से, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, और आप लोग भी इसको इंजॉय कर रहे हैं। तो फ़िलहाल काफ़ी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। एक अलग ही मज़ा है विंडो सीट का, कभी आप बाहर देख सकते हैं, अंदर देख सकते हैं, और यहाँ पे आप खुद देखिए, मैं काफ़ी यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बाहर बिल्कुल बादलों के ऊपर ये फ़्लाइट चल रही है, जिसको देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और मज़ा भी आ रहा है, और मौसम बिल्कुल साफ, काफ़ी अच्छा यहाँ पे अनुभव।
और अनाउंसमेंट हो गया है खाने का, तो खाना लेके अब थोड़ी देर में ये आएंगी जो एयर होस्टेस हैं। फिलहाल आ गया है खाना भी हमारा, एक मैंगो जूस और साउथ इंडियन डिश जो कि काफ़ी मुझे पसंद भी है क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साथ में एक ब्रेड भी इन लोगों ने दिया है, तो नाश्ता तो काफ़ी अच्छा है। एयर इंडिया का जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ पे जो अयोध्या से जो जाती है फ्लाइट दिल्ली की तरफ, पिछली बार मैं लखनऊ से आया था तो उतनी अच्छी फ़्लाइट में व्यवस्थाएं नहीं थी, खाने पीने का भी कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है ख़ासतौर पे खाने का। तो कुछ ही देर में हम लोग दिल्ली लैंड करेंगे और फ़िलहाल हम लोग दिल्ली की तरफ रुक कर रहे हैं और दिल्ली हम लैंड करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो फ़िलहाल सफलतापूर्वक फ्लाइट लैंड कर चुकी है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।